नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 60 मिलियन डॉलर कितना होता है इंडियन रुपए में। तो देर ना करें वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इसकी आंसर। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों डॉलर जो है कई सारे कंट्रीज के होते हैं, लेकिन मैं अमेरिका की करेंसी के बारे में बताऊंगा। ये 60 मिलियन डॉलर कितना होता है इंडियन रुपए में, ये जानने के लिए पहले आपको एक डॉलर कितना होता है जानने पड़ेंगे। तो पहले बता रहा हूं आपको एक डॉलर कितना होता है। दोस्तों एक डॉलर जो है आज की डेट में इंडिया में 82 रुपए मिलते हैं, यानी कि 82 रुपीज। तो इसकी फ्लक्चुएट होते रहते हैं ये एक्सचेंज रेट, लेकिन आज की डेट एक यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर देने से आपको इंडिया में 82 रुपए मिलेंगे। तो ये 60 मिलियन डॉलर आपको कितना देगा ये बताना होगा, राइट? तो 60 मिलियन मतलब 6 करोड़, लेकिन ठहरिए 6 करोड़ रुपया नहीं, अभी भी कैलकुलेशन बाकी है। तो जैसे मैंने आपको कहा 60 मिलियन 6 करोड़ होते हैं, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कि 60 मिलियन डॉलर कितना होता है इंडियन रुपए में। तो ये 60 मिलियन डॉलर यानी कि 6 करोड़ डॉलर ये कितना होता है, ये जानने के लिए हम 6 करोड़ इंटू 82 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डॉलर 82 रुपीज है ना। तो ये 6 करोड़ जब आप 82 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका आंसर क्या है आप खुद ही देख के चौंक जाइए। तो अगर आप 60 मिलियन डॉलर यानी कि 6 करोड़ डॉलर इंडिया में लाके कन्वर्ट करते हो, आपको मिलेंगे इंडिया में 4 अरब 92 करोड़ रुपए, यानी कि 492 करोड़ इंडियन रुपए। कितना भारी रकम है आप खुद एक बार सोच के देखिए। तो दोस्तों अगर आपको कहीं से 60 मिलियन डॉलर मिलते तब आप क्या करते? क्या आप इसे बैंक में रख के फिक्स डिपोजिट करते, या जमीन खरीदते, या घर खरीदते, या बहुत सारे गाड़ियां खरीदते? तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जरूर। तो दोस्तों मेरा आपको शुरू अच्छा लगा, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और साइड में रहा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।